नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सख्स से शख्सियत कार्यक्रम में साधना न्यूज की कोशिश है कि देश की ऐसी शख्सियत जो संघर्ष करके सफलता के बाद तो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, सारे लोग जिंदाबाद करने लगते हैं, और वो जहां वो बैठते हैं वहां ये प्रयास किया जाता है कि ये जो सफलता मिली है इनको ये कितनी आसानी से मिल गई होगी। लेकिन यदि सफलता मिली है किसी को तो उसके पीछे का संघर्ष कितना है, उसके पीछे की क्या कारण है, कैसी परिस्थिति बनी होगी, कितना संघर्ष किया होगा, यह सारी चीजें हम इस कार्यक्रम में सख्स से शख्सियत में हम इस कार्यक्रम में ये बताना चाहते हैं कि कैसे सफलता मिलती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और यही कारण है कि हमने ये रात 9 बजे इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने कोशिश की है कि हम ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जो समाज को दिशा देते हैं। हम आज हैं शिक्षाविद हैं, लंबे समय से ट्राइबल सेक्टर में मध्य प्रदेश के, चाहे रीवा क्षेत्र हो, चाहे झाबुआ क्षेत्र हो, चाहे ग्वालियर क्षेत्र हो, ग्वालियर और आगरा क्षेत्र से अध्ययन करने के बाद, रीवा से अपनी नौकरी शुरू करने के बाद और बड़वानी जैसी जगह में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य कराया, उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष हैं आप, प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, हमारा उद्देश्य ऐसा कार्यक्रम रखने का है कि आम आदमी प्रेरणा ले, आम आदमी ये जान सके कि आपने जिस लेवल पे आप आए हैं आज उससे कितना संघर्ष करने के बाद पहुंचे हैं। आसानी से सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो आपको लगता है कि ये जो सफलता है, ये जो आप आज जहां बैठे हैं, यहां बैठकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा पद है जिस पद पर बैठकर मध्य प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में, चूंकि आप मध्य प्रदेश की जो केंद्र की नई शिक्षा नीति है उसमें भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसको भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला शुभारंभ जब आपका हुआ था, जब अध्ययन के बाद आप पहली बार जॉब में आए थे और जॉब के बाद आप सिलसिले बार हमारे दर्शकों को, देश के दर्शक ये जाने कि किस तरीके से आपने प्रगति की है और प्रगति करके आज इस सोपान पर आप पहुंचे हैं। धन्यवाद। देखिए, जीवन में सफलता के लिए सबसे पहली बात जरूरी यह है कि आपको जो भी काम दिया गया है वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पित भाव से करें। इसके साथ ही योजनाबद्ध ढंग से कि मैं अपने क्षेत्र में क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे जो हितग्राही हैं उनको अधिकतम लाभ मिले, और यही मेरा उद्देश्य भी शुरू से रहा है। सर्विस के प्रारंभ में जब मऊगंज में मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे याद है कि वहाँ पर बस से जब गए थे तो बस स्टैंड पर कोई टीन शेड नहीं, कोई कुछ नहीं, रहने के लिए वहाँ होटल नहीं था, कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे सामान रखा जा सके, और कॉलेज में जाके ज्वाइन किया मैंने मऊगंज कॉलेज में। उस कॉलेज में आसपास के बहुत लोग उस समय एडमिशन लेते थे ऐसा मुझे ज्ञात हुआ, लेकिन 79 की स्थिति में वहाँ पर छात्रों की उपस्थिति भी बहुत कम थी, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये आज कह सकता हूँ कि उस समय उस कॉलेज की स्थिति परीक्षा के लिहाज से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वो शुरुआत थी। और वहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, करीब 2 साल में वहाँ रहा। हम लोगों ने यह प्रयास किया कि नियमित कक्षाएं लगें और परीक्षा जो है पूरी शुचिता के साथ संपन्न हो सके। बहुत विरोध हुआ क्योंकि उस समय वहाँ पे नकल का बहुत माहौल था, तो आक्रमण भी हुए, गाली गलौज भी हुई। मैंने ये कहा कि अगर मैं ड्यूटी करूँगा तो पूरी निष्ठा से करूँगा, केस भी बनाऊँगा। तो वहाँ 2 साल में रहा और बहुत प्रयास किया, और मुझे खुशी है कि हम लोग नकल पे काबू कर पाए। जो मऊगंज से आपकी शुरुआत होती है, मऊगंज के बाद आप दो कुछ जगह और आपकी पोस्टिंग रही, फिर आप बड़वानी आते हैं। बड़वानी पूरी तरह से ट्राइबल सेक्टर है, और सर उच्च शिक्षा में ये कहा जाता है कि रोजगार उन्मुखी शिक्षा होती है, उसके बाद बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा का आपको जो क्षेत्र मिला था उस क्षेत्र में आने के बाद आपको क्या लगता है कि बड़वानी का ट्राइबल एरिया था, आप वहाँ समाज सेवा से, आप नौकरी के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत एक्टिव थे, आपने वहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठन खड़े किए जो वहाँ पर सेवा का कार्य कर सके, तो ऐसी क्या योजनाएं थी जो आप नौकरी में रह के भी समाज को दे पाते थे और समाज की सेवा कर पाते थे? बड़वानी आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ट्राइबल बेल्ट में मैं जब पहली बार आया तो मुझे लगा कि सुविधाओं का बहुत अभाव है,
और उस समय उस कॉलेज में लगभग 600 के आसपास स्टूडेंट थे और साइंस में 150-200 लोग थे, एमएससी नहीं था। तो सबसे पहला प्रयास जो किया गया ये कि एमएससी यहाँ प्रारंभ किया जाए, और जूलॉजी में उसी साल एमएससी प्रारंभ हुआ। बड़वानी में रहते हुए मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमारे जो जनजाति क्षेत्र के बच्चे हैं वो हिंदी भी और अंग्रेजी भी दोनों का उनका जो भाषा में प्रस्तुतिकरण है वो बहुत कमज़ोर है, और इसीलिए विज्ञान के जो विद्यार्थी थे उनको बड़ा कष्ट होता था। तो मीडियम अंग्रेजी होने के बावजूद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हिंदी में इनको सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाए, और सरकार की एक जो योजना थी रेमेडियल क्लास, उस रेमेडियल क्लास में यह था कि ट्राइबल बच्चों के लिए एक पीरियड अतिरिक्त लगाया जाता था। तो उस समय के हमारे जो प्राचार्य थे उनसे भी बात हुई, उन्होंने उनसे परमिशन लेने के बाद ये तय किया गया कि रेमेडियल में भले ही नियम एक क्लास लेने का हो, हम लोग शाम को अतिरिक्त क्लास लेंगे, और रेगुलरली ये क्लास चलाई जाती थी। उससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ, हमारे संपर्क में आए, और उसी समय राष्ट्रीय सेवा योजना से भी मेरा जुड़ाव हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में हमारे जो छात्र छात्राएं थे उनको टीकाकरण के लिए प्रवृत्त करना, उस क्षेत्र में जो नशे का बड़ा प्रचलन था तो नशा विरोधी अभियान चलाना, और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास करना, ये हम लोगों ने सामूहिक रूप से किया एनएसएस के माध्यम से। प्रतिवर्ष एनएसएस के कैंप लगते हैं, तो महाविद्यालय स्तर का कैंप हो, जिला स्तर का कैंप हो, प्रदेश स्तर का कैंप हो, बड़वानी में हर स्तर के कैंप का आयोजन किया गया। इसमें मैं डॉक्टर एसएन यादव जी का नाम भी लेना चाहूँगा, जो रीवा के बाद में कुलपति भी बने, वे जिला संगठक थे और हम लोग कार्यक्रम अधिकारी थे। उनके साथ रहते हुए हम लोगों ने, मुझे लगता है कि जिले का ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा होगा जहां पे हम लोगों का जाना नहीं हुआ या संपर्क नहीं हुआ। और इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि किसी बड़े शहर में रहने की बजाय जरूरी है कि ऐसी जगह रहा जाए जहां साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी लोगों ने सामूहिक प्रयास किए, शासन के पास बार बार सूचनाएं भी भेजी गईं, जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, और कालांतर में ये हुआ कि बड़वानी में पहले दो ही कॉलेज जिले में थे, एक सेंधवा में और एक बड़वानी में, लेकिन आज की स्थिति में अंजड़, राजपुर, पानसेमल आदि पाटी, ऐसे कई कॉलेज आज प्रारंभ हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि लोगों में उत्सुकता जग गई कि नहीं, हमको उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम सबका जो सामूहिक प्रयास था उससे आज वहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा भी है, प्रतिशत भी बढ़ा है। सर, एक सपना होता है, हर शिक्षक गर्व से ये कहता है कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे, आपके पढ़ाए हुए बड़वानी क्षेत्र में, जहां हमको मीडिया को जो जानकारी है कि आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, कुछ मुझे जानकारी है कि राज्यसभा में चले गए, कुछ लोकसभा में चले गए और कुछ मंत्री तक बने हैं, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि भी बने हैं, तो आपको लगता है कि रोजगार सेक्टर में, नौकरी के सेक्टर में और खासकर नीति निर्धारण करने वाली जो देश की सबसे बड़ी संस्था है वहां पर, और मध्य प्रदेश की संस्था में लोगों को आपने जिन छात्रों को सिखाया पढ़ाया वो आज सदन में और लोकसभा में नेतृत्व करते हैं, तो इससे आपको जो आपने प्रेरणा दी थी, आपको अपनी सफलता नजर आती है? देखिए, शासकीय अधिकारी बने हैं या जनप्रतिनिधि बने हैं, ये तो एक अपनी अलग विषय है। मेरा ये मानना है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको हम इस तरह तैयार करें कि वो न केवल ज्ञानवान हो, चरित्रवान हो, और जो भी काम करें पूरे दायित्व बोध से करें। तो मुझे इस बात की खुशी तो है कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र आज अलग-अलग जगह पे बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, शासन के जिम्मेदार पदों पे हैं, नीति निर्धारक पे हैं, लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मेरा जो छात्र रहा है वो जिस क्षेत्र में भी गया उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, और उसको आसानी से अपने कर्तव्य से कोई डिगा नहीं सकता, ये मेरे को पक्का मालूम है, उस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। सर, जो कहा जाता है कि आप
बड़वानी में जो 100% ट्राइबल सेक्टर है और वहाँ की चुनौतियों से उच्च शिक्षा में काम करना, आप वहाँ प्रिंसिपल के रूप में रहे, उसके बाद आप बहुत सारे पदों पे और भी गए, जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ से सारे बच्चों की शिक्षा का कार्य शुरू होता है, पहले आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी के कुलपति बनते हैं, फिर आप इग्नू में चले जाते हैं और इग्नू के बाद आज प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति में आ जाते हैं। आपको लगता है कि इन पदों पर रहने के बाद आपने कौन से ऐसे जो नवाचार किए थे, जिन नवाचारों को हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपनाएगी और आगे बढ़ेगी? देखिए, बड़वानी में रहते हुए ही हम लोग रेड क्रॉस संस्था से भी जुड़े थे और रेड क्रॉस से एक बहुत अभिनव योजना उस समय चलाई गई थी, जो बीमा किया गया था पूरे जिले का। उसमें लाभ यह था कि बड़वानी में सर्पदंश से मृत्यु बहुत होती थी, और बहुत पुरानी ये बात है कि 5 बजे बाद लाइट बंद हो जाती थी। अब तो खैर बहुत विकास हो गया है, एरिया बहुत विकसित हो गया है, लेकिन उस समय स्थितियाँ बहुत भिन्न थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक लाने के लिए लोगों को झोली में उस समय लाया जाता था, तो NSS के वॉलेंटियर्स ने मोटरसाइकिल पर लाना, या जो डिलीवरी के लिए महिलाएँ हैं उनको बहुत 82-83 में तो ठेले पर रख के भी लोग ले जाते थे। एक महेश्वरी जी थे वहाँ पे, जिनका बहुत बड़ी फर्म थी, उनसे भी हम लोगों का बड़ा अच्छा संपर्क था। तो वो दादा जो हैं दुकान छोड़ के खुद रिक्शा चला के डिलीवरी के लिए महिलाओं को हॉस्पिटल छोड़ने जाते थे। तो मुझे लगता है कि कॉलेज में पढ़ाना केवल ये दायित्व नहीं है, एक शिक्षक का दायित्व ये है कि वो अपना सामाजिक दायित्व भी निभाए। बड़वानी की आशाग्राम ट्रस्ट जो संस्था है वो भी बहुत ही जन सेवा का, समाज सेवा का बहुत बड़ा काम कर रही है, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उसमें भी मुझे जुड़ने का मौका मिला। श्री हीरालाल जी शर्मा, उनके द्वारा स्थापित संस्था, डॉक्टर यादव उसके सचिव रहे और हम लोग सहायक के रूप में थे। आशाग्राम में एक हॉस्पिटल खोला गया जहाँ डॉक्टर प्रकाश यादव जी, डॉक्टर जगदीश यादव जी ने अपनी सेवाएँ दी। तो उस अस्पताल को संचालित करने में आशाग्राम ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है और लोगों ने बड़ा भरोसा किया उस संस्था पर। तो ये सामाजिक दायित्व निभाकर मुझे ज़्यादा प्रसन्नता हुई, और हमेशा से जो शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि केवल बच्चे को पढ़ा देने से शिक्षक का काम पूरा नहीं हो जाता, उसको अपना सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी अपने सामाजिक दायित्व को हमेशा से निभाता आया है। एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि उस क्षेत्र के जो जनजाति के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे भीमा नायक जी, हम लोगों ने जब ये देखा कि भीमा नायक जी के नाम के साथ जो किंवदंतियाँ जुड़ी थी, जो अंग्रेजी लिटरेचर था उसमें ये लिखा था कि वो एक डाकू थे, लुटेरे थे। डॉक्टर SN यादव जी ने बहुत काम किया, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और उससे ये ज्ञात हुआ कि नहीं, भीमा नायक तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे 1857 के। तो सब लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया, जनभागीदारी समिति से प्रस्ताव पास हुआ और शासन को भेजा गया, उसी का परिणाम है कि आज उस महाविद्यालय का नाम भीमा नायक महाविद्यालय है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि जनजाति क्षेत्र में जो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के रूप में काम किया उनको गौरवान्वित करना, उनके नाम को जानना, जब महाविद्यालय का नाम हुआ तब बहुत से लोगों ने पूछा कि कौन है, किन के नाम पे है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काम था जो सबने सामूहिक रूप से किया। आप सर, भोज विश्वविद्यालय और इग्नू जैसा राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय, जहां आपके कोर्सेज चलते हैं और पूरे विश्व के कई देशों में इसका संचालन किया जाता है, तो वहां रहने के बाद, भोज विश्वविद्यालय में रहने के बाद, आप किन और ऐसी चुनौतियों को देखते हैं जो आप कर सकते थे लेकिन वो आप कर नहीं पाए, या कुछ आपने ऐसे नवाचार किए? एक भीमा नायक वाला आपने जो बताया, ये इतिहास बनेगा, क्योंकि जिसको कल तक डकैत के रूप में बताया जाता था और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो कम से कम एक उनकी वो पूरी की पूरी वो बदल गई, स्थिति बदल गई जिनके बारे में जो कहा जाता था। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चुनौतियां बची हैं जो अभी आपको इन पदों पर रहने के बाद भी आपको लगता है कि और करना चाहिए? देखिए, भोज विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए मैंने महसूस किया कि आम जनता के मन में अभी भी ये है कि ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि सब कुछ खुला हुआ है। ओपन यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हर विद्यार्थी के पास समय पर जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री, वो पहुँचे, काउंसलिंग की कक्षाएं समय पर लग जाएं,
परीक्षा का बिल्कुल समय निर्धारित हो, उसी समय उसको परीक्षा संचालित हो, इवैल्यूएशन अच्छा हो, तो जो पब्लिक परसेप्शन था ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी और ओपन स्कूल के बारे में भी, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कुछ अभी भी लोगों को यही लगता था कि जो ट्रेडिशनल में पास नहीं हो पा रहे उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी है, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में जो लोग किसी वजह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुँच नहीं सकते या जो सर्विस में हैं और रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनको सुविधा के लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है भोज ओपन यूनिवर्सिटी, और अपने कार्यकाल में भी मैंने प्रयास किया, अभी भी डॉक्टर सोनवलकर जी जो हैं वो भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी में परीक्षा बहुत ही प्रामाणिक विधि से होना चाहिए, ये काम हो रहा है। दूसरा था उनको जो कंटेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उपलब्ध रहे, हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहे और समय पर उपलब्ध हो जाए। दूसरा जो एक काम था, कुछ हम लोग कर पाए, कुछ समय अब हुआ है। एक बात ये थी कि एक स्टूडियो बनाया जाएगा और वहाँ से प्रसारित किए जाएंगे कार्यक्रम, उस समय वो नहीं हो पाया, डॉक्टर सोनवलकर जी ने वो बहुत अच्छा काम किया है। उस अब ये हुआ है कि टेलीविज़न से जो पाठ्य सामग्री है उसके लेक्चर प्रसारित किए जा रहे हैं। इग्नू में काम करना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसकी शाखाएँ हैं, और डॉक्टर नागेश्वर राव जी ने जब वहाँ पे वो कुलपति बने, मैं उनके साथ प्रो वाइस चांसलर रूप में काम कर रहा था। परीक्षा संचालित करना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, और न केवल देश में बल्कि विदेश में भी एक साथ पूरे देश में परीक्षा कराना, इतने सारे सेंटर उपलब्ध कराना, प्रामाणिक रूप से उत्तर पुस्तिकाओं का परिवहन करना, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसी तरह का दूसरा चैलेंज रहता है कंटेंट उपलब्ध कराना सभी को। तो मुझे प्रसन्नता है कि परीक्षा का काम का दायित्व नागेश्वर राव जी ने मुझे दिया था, और हम लोग न केवल देश में बल्कि विदेश में ऑनलाइन पेपर भेज के भी बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा संचालित कर पाए, बड़े प्रामाणिक ढंग से परीक्षा संचालित कर पाए। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रदेश की धुरी कहलाती है, जहाँ से राज्य प्रशासनिक सेवा के स्टूडेंट निकलते हैं, और आज जितने भी डिप्टी कलेक्टर हैं, जितने भी डीएसपी हैं, जितने भी शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं, वो पीएससी से निकलते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग में आपने लंबे समय तक रहकर वहाँ पर बहुत सारी परीक्षाओं का संचालन किया। क्या लगता है आपको कि बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि पीएससी संघ लोक सेवा आयोग में कुछ तो भी हो जाता है, बीच में बहुत सारे आरोप लगे थे, आपको लगता है कि आप वहाँ रहकर वास्तविक चयन कर पाए पीएससी में? मुझे लगभग 3 साल लोक सेवा आयोग में कार्य करने का अवसर मिला, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोक सेवा आयोग बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही गोपनीयता से, बहुत पारदर्शी ढंग से, ये दो विपरीत शब्द लगते हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं गोपनीयता, एक तरफ कह रहे हैं पारदर्शी, परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने में, संचालन में पूरी गोपनीयता, लेकिन जो विधि है रिजल्ट बनाने की उसमें पारदर्शी, दोनों एक साथ काम होता है, और इतनी अच्छे ढंग से परीक्षा संचालित अब होती है कि किसी को किसी प्रकार का डाउट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। परीक्षा में प्रश्न पत्र को कैसे बनाया जाएगा, किस प्रकार से वो एडिट होंगे, उस पूरी प्रक्रिया में आपको जान के अच्छा लगेगा कि लोक सेवा आयोग में चेयरमैन से लेकर पूरी टीम कोई भी किसी भी स्तर पर किसी भी प्रश्न पत्र को कभी भी देखता नहीं है जब तक परीक्षा संचालित नहीं हो जाती। परीक्षा का पेपर ऑन होने के बाद ही लोग पेपर देखते हैं, लेकिन वो विधि इस प्रकार की है बनवाने की कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, इतनी पारदर्शी है कि गोपनीयता से परीक्षा संचालित हो पाती है। तो हर अभ्यर्थी जो लोक सेवा आयोग में आवेदन कर रहा है उसके मन में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि केवल योग्यता और मेहनत, यही दो ऐसे फैक्टर हैं जिनसे सफलता मिलेगी, अन्य कोई भी प्रयास उसका निरर्थक। इसके साथ साथ पीएससी में अभी आपने लंबे समय से मध्य प्रदेश में प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं हो पाई थी, और एक चुनौती थी सरकार के सामने, शिवराज सरकार के सामने, आपने 3,500 से ज़्यादा प्रोफेसर्स की भर्ती में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। जब आप दिल्ली चले गए और दिल्ली से वापस लौट के आप प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के चेयरमैन बने,
यहाँ पर भी बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनती हैं, क्योंकि हम लोग रोज इस तरीके की शिकायतों से रूबरू होते हैं, फोन आते हैं बाहर से कि फीस आप लोगों ने जो तय की है उससे कई गुना ज़्यादा कुछ निजी संस्थान लेते हैं। ये सरकार ने नियंत्रण और आम जो बच्चे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको न्याय मिल सके इसके लिए, तो आप इस पद पर बैठकर कितना न्याय कर पा रहे हैं प्रदेश के सारे छात्र छात्राओं के साथ? लगभग एक वर्ष हुआ मुझे इस संस्था में कार्य करते हुए, और हमारा जो दायित्व तो है वो एक तो ये है कि शुल्क निर्धारित हो सारे प्रोफेशनल कॉलेज का जो अनएडेड हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा ऑनलाइन है, किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करें, और सुनवाई जो होती है वो भी ऑनलाइन होती है। ये लास्ट ईयर से हम लोगों ने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि ये कोविड के कारण हुआ, बल्कि हम लोग ये योजनाबद्ध ढंग से ही कर रहे थे, किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, रिकॉर्ड हो रही है, और जो उसके एक्सपेंडिचर है उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट है उसके आधार पर यह पता लगता है कि वो इस कोर्स को संचालित करने में कितनी राशि व्यय कर रहा है, उस आधार पर उसके शुल्क निर्धारित होगा। अगर उस शुल्क से उसको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो जो अपील अधिकारी हैं जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनके पास जाए और अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं। तो शुल्क निर्धारण तो एक काम हुआ। दूसरा जो हमारा काम है कि यदि किसी को ग्रीवेंसेस है कोई किसी महाविद्यालय से तो वो यहाँ लिखित में शिकायत करे। इस प्रकार की शिकायतें आने पर उस महाविद्यालय के लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं, उनका पक्ष जानते हैं, और किसी महाविद्यालय का नाम ना लें हम तो पिछले कुछ समय में बहुत हैवी पेनल्टी लगाई गई है और ये राशि करोड़ों तक में भी गई है, वो उस पेनल्टी को वसूल किया जा रहा है क्योंकि कॉलेज ने उनको गलत ढंग से मेडिकल में एडमिशन दिया था, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार से अगर कोई संस्था बिना अपने प्रमाण पत्र के या बिना एफिलेशन के अगर ये चाहेगी कि वो फीस निर्धारित हो जाए तो वो नहीं होगी। तो जितने भी मापदंड हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाता है, और हम सभी को ये कहते हैं कि कोई भी शिकायत है तो आप सीधे वेबसाइट पे लिखें, मेल करें, मोबाइल पे बताएं, किसी भी माध्यम से बताएं, उसकी सुनवाई ज़रूर की जाए। और मैं तो कम से कम अभी तक संतुष्ट हूँ कि एक साल तक जो कार्रवाई हुई है उसमें अगर कोई शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है, और फीस निर्धारण में कोई इंटरवेंशन किसी का नहीं है, पूरी कमेटी सुनती है और जो मापदंड है उसके अनुसार शुल्क निर्धारित होता है। सर, एक मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा से आप जब शुरुआत की थी आपने, और आपके अनुभवों का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है उस शिक्षा नीति को पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में सभी कॉलेजों में लागू करना है, और उस कमेटी में आपको भी रखा और आपने बहुत प्रयास भी किए। आपको लगता है कि ये शिक्षा नीति के आ जाने के बाद, ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाने के बाद समय लगेगा लेकिन उसके बाद हमारी जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि आज भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति और बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिसका नौकरी से वास्तविक जीवन में कोई उसका काम नहीं रहता है लेकिन वो पढ़ाया जाता है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है इस पर आप जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार करने के बाद इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई हर स्तर पे, और मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल और कॉलेज दोनों में इसको इम्प्लीमेंट करने का निश्चय कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है उसमें नीति के क्रियान्वयन के बाद और सुधार होगा। अगर हम इसके थोड़े से बिंदुओं पर चर्चा करें, जो विशेषता है इस नीति की, उसमें पहली बात ये कही गई है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा होगी, पहली बात। दूसरा, साइंस के साथ आर्ट्स और कॉमर्स, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही संकाय में लोग पढ़ते रहें। तीसरा, स्कूल में यह कहा गया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, मतलब केवल क्लासरूम में पढ़ा के काम नहीं चलेगा बल्कि उसको बच्चे को महसूस होना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि कैसे सीखेगा वो। एक और बड़ा उल्लेखनीय काम है इस शिक्षा नीति में, इंक्लूजन ऑफ आर्ट। अभी तक हम ये मानते थे कि बस जो पढ़ा दिया क्लास में वही शिक्षा है, इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की बात है, तो वो खेलकूद में भी अच्छा हो, कलाओं में भी अच्छा हो, चित्रकला भी सीखे,
हम ये नहीं कह रहे कि उसको हम ए ग्रेड का पेंटर बना देंगे या फोटोग्राफर बना देंगे या बहुत बड़ा गायक बना देंगे या नृत्य में उसको गुरु ही बना देंगे, लेकिन उस कला के प्रति उसमें आकर्षण हो और उसका रचनात्मकता बढ़ जाए, ये शिक्षा नीति का उद्देश्य है। तो जब ये नीति क्रियान्वित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जाए, कॉलेज को कैसे ऑटोनॉमी दी जाए, इस पर बहुत काम माननीय शिक्षा मंत्री जो स्कूल के भी हैं और कॉलेज हायर एजुकेशन के दोनों बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पर बहुत ध्यान है और ये नीति क्रियान्वयन की दिशा में ठीक ढंग से बढ़ रही है। 10 साल का टारगेट दिया गया है पूरी नीति के क्रियान्वयन में और क्रमिक रूप से ये बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाएगी। और जो GER बढ़ाना है, भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाना है, इंक्लूजन ऑफ आर्ट को करना है, ये सब उद्देश्यों को हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत लंबे समय से चूंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, आपको लगता है कि इस दौरान क्या ऐसा रह गया है, क्या ऐसा और कर सकते हैं जो आप इतने लंबे समय में करना चाहते थे, जो करने की आपकी इच्छा है? अब चूंकि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो इस दिशा में क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या ऐसा और आप करना चाहते हैं जो आपके मन में है? देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन सिस्टम का सवाल है तो हमारा जो विद्यार्थी है अभी तक बिना किसी उद्देश्य के BA, BSc, MA, MSc करता जा रहा है और जब वो डिग्री लेकर निकलता है तब वो सोचता है कि अब मैं करूँ क्या, मेरे पास स्किल तो कोई है ही नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूल से ही उसको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चालू किए जाएंगे। यहाँ तक कहा गया है कि विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी। ये ठीक है कि 100% विद्यालयों में नहीं हो पाएगी, लेकिन इसका प्रारंभ तो हो ही जाएगा। तो डिग्री लेने के बाद जब विद्यार्थी जाए, मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि वो रेगुलर एडमिशन ले और पढ़े, 12वीं के बाद वो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कई तरह के पाठ्यक्रम कर सकता है, चाहे इग्नू से करे या बोझ से करे या और अन्य विश्वविद्यालयों से करे। डिग्री लेने के साथ साथ उसमें ऐसा कोई स्किल जरूर डेवलप होना चाहिए जिससे वो अपने रोजगार का काम कर सके, या उसमें एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए कि अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सके। हमने अभी तक ये किया है कि जो श्रम के कार्य हैं उनको हमने एक निकृष्ट मान लिया, और यदि कोई विद्यार्थी पढ़ते समय किसी होटल में काम कर रहा है, मैं जहाँ ट्राइबल बेल्ट में था वहाँ पर मजदूरी करने वाले भी बच्चे थे, वो पढ़ने आते थे, हम उनको ये कहते थे कि आपके लिए ये गर्व की बात है कि आप काम भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट अभी पैसे की पूरी नहीं हो पा रही इसलिए आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको काम करना आ भी तो गया। तो ऐसा बच्चा जो MSc कर ले और उसको ये न मालूम हो कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या काम होता है, तो फिर वो अपने पिता का सहयोग नहीं कर पाएगा। तो जो पुरानी कहावत थी कि MSc पढ़ लिया और अब इसको बेरोजगार बैठा है, तो शिक्षा में ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, और इस नीति में भी ये कहा गया है कि स्किल सिखाई जाएगी। अब किस लेवल पे कौन सी स्किल की ज़रूरत है ये उस संबंधित क्षेत्र के लोगों को तय करना रहता है कि यहाँ कौन सी स्किल चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ सीड टेक्नोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, डेयरी डेवलपमेंट है, ये कोर्स ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा सकते हैं। तो क्षेत्रीय आवश्यकता क्या है ये देख के हमें तय करना पड़ेगा कि हम कौन सी स्किल कहाँ पे सिखाएं। जो ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हायर एजुकेशन के दूसरे इंस्टीट्यूट से, तब हम अपने विद्यार्थियों को स्किल सिखा पाएंगे और ये बच्चे डिग्री के साथ साथ ऐसा कुछ काम सीख पाएंगे जिससे कि वो अपना अर्निंग भी कर सके। इसके साथ ये भी ज़रूरी है बच्चे को इतने चरित्रवान बनाया जाए जिससे किसी भी पद पे वो रहे लेकिन कंप्रोमाइज ना करे क्वालिटी, ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसको हमें पूरा करना है। एक आम आदमी जब अपने जीवन की शुरुआत करता है और एक सामान्य शख्स से वो शख्सियत कैसे बनता है, वो शख्सियत जब बनता है तो उसके पीछे की संघर्ष की कहानी दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश ये है कि हम जब कोई बहुत शीर्ष पद पर बैठा होता है तो
तो ये लगता है कि सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे फाइट होती है। ऐसी फाइट होती है जिसको हम बात नहीं करना चाहते, जिसके बारे में हम नहीं सोचना चाहते। सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए तन्मयता चाहिए, उसके लिए कड़ा संघर्ष चाहिए, उसके लिए जुझारूपन चाहिए। और ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको मिलवाते हैं। आज हमने जिनसे आपकी बात की है, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को बताया। और हमारी कोशिश है कि हम ऐसे कार्यक्रमों को हमारे देश के दर्शकों तक पहुंचाएं, दुनिया के दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से संघर्ष करके और कैसे आज इस मुकाम पर पहुंचते हैं और क्या करना चाहते हैं। साधा न्यूज की तरफ से मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी के साथ नमस्कार।